में क्लास दे दे स्कूल आओ, नेक्स्ट वीक खुलने दे पूरे पूरे चांस है। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है ब्लड रिलेशन। ओके तो स्टार्ट करते हैं असि आज का टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। सब तो पहला कॉन्टेंट जिस विच हुण तक असी 12 टॉपिक जिहड़े कर चुके हैं, सीरीज क्लासिक एनालॉगी कोडिंग डिकोडिंग उस तो बाद डायरेक्शन सेंस वेन डायग्राम्स मिसिंग करैक्टर्स नॉन वर्बल सीरीज नॉन वर्बल क्लासीफिकेशन एनालॉगी नॉन वर्बल इनकम्प्लीट फिगर्स मिरर इमेजेस पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। टूडे वी आर गोइंग टू डू ब्लड रिलेशन, यानी कि अज असी ब्लड रिलेशन जोड़ा है परिवारक रिश्ते का टॉपिक करना है। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो सौखे तरीके इस करने की कोशिश करा ताकि भी ये समझ लग सके। तो ये सब तो पहला तो सानू जो रिलेशन है ये समझ आने बहुत जरूरी है। थोड़े सामने कुछ रिलेशन जोड़े है उन लिखे हुए हैं, सब तो उपर टॉप तो लिखा हुआ है मदरस और फादर सन। ठीक है, माता का या पिता का पुत्र जो होंगे वो अपना की लगता है भरा ही होंगे है। इसी तरह मदर और फादर डॉटर जी मम्मी की या पिता की धी होगी भैन होगी। इसी तरह मदरस फादर ब्रदर वो साड़ा अंकल हो गया, यानी कि चाचा हो गया या साड़ा मासड़ हो गया ज ठीक है मासी मासर वो अंकल च आ जाते हैं। तो मदर और फादर सिस्टर मम्मी की या पिता जी की जी भैन है वह साड़ी आंट होंगी है। इसी तरह मदरस और फादर फादर यानी कि साड़ा नाना या नानी दोनों ही नाना नाना और दादा दोनों ही ग्रैंड फादर होंगे है। इसी तरह मदरस और फादर मदर यानी कि पिता जी की माता या मम्मा जी की माता नानी या दादी ग्रैंड मदर में आ जाते हैं। सनस वाइफ यानी कि साड़ी नौ नौ जी होंगी है डॉटर इन लॉ कहते हैं ठीक है। इसी तरह डॉटर्स हसबैंड जो साड़ी कोई लड़की है वह ब्याह होया वह हसबैंड जोड़ा है वह सन इन लॉ हो गया। इसी तरह हसबैंड और वाइफ सिस्टर ठीक है पति की भैन या वाइफ की पत्नी की भैन जी होंगी वो सिस्टर इन लॉ होंगी है। इसी तरह पति और पत्नी की द ब्रदर जोड़ा है ब्रदर इन लॉ हो गया। नैक्सट है ब्रदर सन ठीक है जोड़ा साड़ा भरा का पुत होएगा पुत्र होएगा उसको बोलते हैं नैफ्यू यानी कि भतीजा। ब्रदर डॉटर उसको बोलते हैं भतीजी नीज। अंकल और आंट्स सन डॉटर साढ़े चाचा या चाची का जो लड़का ज लड़की होएगी वो साढ़े या मामा मामी के लड़के हो होंगे चचेरे भैन भरा यानी कि कजनस होंगे है। इस तरह ब्रदरस वाइफ ठीक है जिन्होंने असं भरजाई बोलते हैं भाभी बोलते हैं सिस्टर इन लॉ होंगी साड़ी ठीक है। इस तरह ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर वो अपने को हो गया ग्रेट ग्रैंड डॉटर ठीक है पड़पोती जिन्होंने कहने आप। चलो ये मेन मेन जो रिलेशन पढ़ सकते हैं ये सानू आने जरूरी है। उस तो बाद एक चीज जी है जरूरी है वह लिखा है अ रिलेशन ऑफ ऑन द मदर साइड ठीक है जोड़ा अपने मम्मी के साइड जो रिलेशन होंगे जिमें मामा मामी मासी ठीक है जी अपने मदर न रिलेटिड होंगे उन्होंने बोलते हैं मिटरनल रिलेशन ठीक है। इस तरह फादर न जो रिलेशन साढ़े होंगे जिमें कि चाचा हो गया ताया हो गया ठीक है जिहड़े पिता दे नाल संबंधित है दादा हो गया उन्होंने असं बोलते हैं पेटरनल रिलेशनस। तो मेटरनल और पेटरनल दो तरह के रिलेशन होंगे है। नैक्सट अपने को एक जरूरी सिंबल जो सानू आने चाहिए है ये सिंबल्स विच की लिखा है इफ ए इज मेल यानी कि अगर कोई मेल है तो मेल के लिए असं बॉक्स बनाते हैं कई जगह पर प्लस का निशान भी ला देते हैं लेकिन ठीक है प्लस का निशान जो है वह ज़्यादा वधिया नहीं है तो बॉक्स लिखना है। जो कोई फीमेल है लड़की है लड़की लिए असं सर्कल का निशान लगाते हैं ठीक है। अगर कोई इदा का परसन है जिदे बारे अपन पता नहीं है कि वह मेल है या फीमेल है फिर सिंपल आप नाम लिख देते हैं ठीक है जिमें वह नाम मान लो ए है तो वह ए लिख दिता फिर स्क्वेयर या सर्कल नहीं पाते। इसी तरह अगर कोई ब्रदरस है सिस्टर है तो असी आ निशान पाते हैं ठीक है ए इज टू बी। इसी तरह जो मेन मेन है तुम देख लेने इसी तरह ए एंड सी आर बी चिल्ड्रन जो माता पिता की गल आ जाती है तो आप हमेशा निशान नीचे लाने तीर का निशान मान लो बी का पुत्र ए है तो आप उसको इस तरह लिखा
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਏ ਹੈ ਔਰ ਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਕਸ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੇਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੋਆਏ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ 99° ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 types ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਯੂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਏ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਏ ਇਜ਼ ਬੀਜ਼ ਡੋਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਡੋਟਰ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਬੀ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ ਮਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਡੀ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਹਾਓ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਏ, ਹੁਣ ਡੀ ਦਾ ਏ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਏ ਇਜ਼ ਬੀਜ਼ ਡੋਟਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਦੀ ਡੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏ, ਏ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਡੋਟਰ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ ਮਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਬੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ ਮਦਰ, ਸੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੀ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ, ਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਓ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਏ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਏ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇਮਸ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨੀਲ, ਕੇਸ਼ਵ, ਸਿਮਰਨ, ਨੇਮਸ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 2। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਕੇਸ਼ਵ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਸਨ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੇਸ਼ਵ, ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਨੀਲ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਸਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਏ ਸਨ ਮਾਰੂਤੀ ਐਂਡ ਡੋਟਰ ਸੀਤਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰੂਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਕਸ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੋਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਡੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਤਾ। ਤੋ ਸੀਤਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਆਫ ਮਾਰੂਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹਾਓ ਸੁਨੀਲ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮਾਰੂਤੀ, ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਡਾਊਟ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੇਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰੂਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ?
सुनील दी भूआ सिमरन है उदे, उदे मुंडा है ठीक है वह है मारुति तो दोने की बने दोने भरा नहीं हुए दोने है कजन है ठीक है चचेरे भरा बन गए तो इतने आ गया अपने को सैकेंड रिलेशन कजन जो करैक्ट ऑप्शन है यदा मतलब सुनील जोड़ा है वह मारुति का कजन है तो इस तरह आप इस ट्री देखते दे हुए अपना जवाब लभ लिया तो बच्चे का जवाब ही आ रहा है सारे ने कजन क्या है वेरी गुड एक बच्चा नैफ्यू कह रहा है नैफ्यू नहीं है हरप्रीत सिंह ऑप्शन टू कह रहा है वेरी गुड ठीक है तो ऑप्शन को मैं बाद चो लूंगा हजे हजे सिर्फ मैं टाइप समझा रहा लास्ट टाइप है अपने को टाइप नंबर थ्री ए अपने को आ गया कोडिंग रिलेशन कोडिंग दी हुई है रिलेशन जिम्मे सब तो पहला आप नजर आ रहा है लिखा है एस माइनस टी एस माइनस टी का की मतलब है एस माइनस टी का मतलब है एस इज वाइफ ऑफ टी यानी कि एस माइनस टी का मतलब है कि जी एस है वो टी की वाइफ है ठीक है इसी तरह एस प्लस टी अगर एस प्लस टी आ जाए तो यह मतलब जो एस है वह टी का की है डॉटर डॉटर ऑफ टी यानी कि वो धी है लड़की है इसी तरह अगर एक्स तकसीम टी डिवीजन टी आ जाए तो यह मतलब है एस इज द सन ऑफ टी यदा मतलब इतने सन आ गया मुंडा आ गया वह ठीक है तो वट विल एम प्लस जे डिवीजन बाय के मीनस हूँ इसका की मतलब होएगा तो सब तो पहले आप लिख लें देखो के सब तो उपर के आ गया हूँ के जड़ा है वह जे नाल डिवाइड हो रहा है जे डिवीजन के पहले आप मीनिंग देख रहे हैं जे डिवाइड बाय के हूँ डिवीजन का मतलब की सी देखो आप नजर आ रहा है सन हुंदा है पुत्र यदा मतलब जो जे है वह के का पुत्र है तो इतने आ गया जे नीचे तो क्योंकि पुत्र है इतने असी बोक्स बना लिया नैक्सट अपने को की है एम एम जड़ा है वह एड हो रहा है एम इतने एड हो रहा है जो एड का मतलब होंगे है ती एना मतलब जी एम है वह जे की धी है लड़की है हम तुम दसो ऑप्शन करैक्ट है ट्री तुहाडे सामने बन चुका है तो गुरप्रीत सिंह सैकेंड ऑप्शन कह रहा है अंश सैकेंड ऑप्शन रोशनी थर्ड ऑप्शन मुस्कान सैकेंड गुरदीप सैकेंड हरपाल सिंह सैकेंड ऑप्शन ख्वाहिश एम इज द डॉटर ऑफ ग्रैंड डॉटर ओके बिल्कुल सही जिहड़ा के है के इत्थे दादा बन गया दादा है अगर दादा है इहदा मतलब जिहड़ा एम है असीं रिलेशन पता करना सी एम दा तो एम उहदी होगी पोतरी होगी जिसनों असीं ग्रैंड डॉटर बोलते हैं तो एम इज द ग्रैंड डॉटर सैकेंड ऑप्शन जिहड़ी है वह इत्थे करैक्ट जवाब है इत्थे अपना तो यह सी अपने को थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन्स ठीक है तो हुण असीं वन बाय वन इन्हां दा आंसर्स देखांगे देखो ये अपना रिलेशन आ गया के फादर सी उसदा सन हो गया नैक्सट जे जे तो छोटा हो गया एम एम उहदी धी होगी तो यह जिहड़ा रिलेशन बनिया ग्रैंड फादर का बनिया इहदा मतलब जिहड़ी एम सी ओह इसकी ग्रैंड डॉटर हो गई उम्मीद है कि सारयां नूं थ्री टाइप्स जिहड़ियां समझ लग गई होणगियां हुण नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा स्टार्ट हो गया इत्थे तुसीं ऑप्शन नू देख के मैनू जवाब देना है फर्स्ट क्वेश्चन का एक पति अते पत्नी दे छे ब्याहे पुत्र हन ये क्वेश्चन पेपर च आया हुआ है उस परिवार विच कुल किन्ने मैंबर हन फटाफट सोचो और इहदा जवाब दिओ मैनू सोच के जवाब देना ट्रिकी क्वेश्चन है हाँ जी जवाब आने शुरू हो चुके हैं बच्चों के आरती द आंसर है 14 सिया फर्स्ट आंसर गुरी 14 डिंपल 14 आरती शर्मा 14 गुरजीत गुरसिमर 14 सुमन 14 रोशनी सेकंड ऑप्शन यानी कि 12 जशन बाइटी जशन फर्स्ट 12 बेटे तुम फर्स्ट भी लिखा है 12 भी लिखा है क्लियर करो चांदनी 14 अमन
फर्स्ट ऑप्शन डिंपल, फर्स्ट ऑप्शन ख्वाहिश, फर्स्ट ऑप्शन मंजीत कौर, फर्स्ट ऑप्शन ओके टाइम ओवर हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों ने सारे ने 14 आंसर दिता है, तो वेरी गुड क्लियर है कि अगर 6 ब्याहे पुत्र हैं, 6 बच्चों का ब्याह हो गया है तो इन्हें मतलब 6 उन्होंने पत्नियां हो गई, टोटल 12 बच्चे हो गए, और पति पत्नी खुद न भी उन्होंने गिनना, दो पति पत्नी जो माता पिता दो ऐड कर लो, तो 14 मैंबर हो गए परिवार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जरा अपना वो करेक्ट आंसर है इतने, वेरी गुड। ये एक सिंपल क्वेश्चन जो पेपर च आ चुका है, NMMS आया से पेपर च। नैक्सट हम क्वेश्चन जो है फटाफट इसकी मैं पंजाबी और इंग्लिश दोनों च है ट्रांसलेट की हुई है। सिमरन युवराज की भैन है, युवराज सुभाष का पुत्र है, पूनम सुभाष की पत्नी है, पूनम सिमरन दी की लगती है। तो फटाफट इतने असं पहला ट्री बनाना है, ट्री बना के देखना है कि किहड़ा रिलेशन इतने बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है माता, सैकेंड भैन, धी या भतीजी यानी कि नीज। तो ट्री असं बना लें, सब तो पहला सिमरन जी है युवराज की भैन है, तो इतने असं लिख लिया सिमरन, शोर्ट फॉर्म च मैं एस लिख लिया, सिमरन लड़की है तो एस हो गया, युवराज लड़का है तो इतने असं बॉक्स बना लिया, ये दोनों भैन भरा है। उस तो बाद क्या है, युवराज सुभाष का पुत्र है, यानी कि युवराज के पापा का जो पिता है वो की है, वह कौन है सुभाष, ये भी लड़का है तो असं इतने बॉक्स बना लिया। इसी तरह अगली लिखा है पूनम सुभाष की पत्नी है, पूनम ये है पत्नी सुभाष की, तो हुण क्योंकि पूनम सुभाष की पत्नी है, युवराज उहदा मुंडा है, एस यानी सिमरन उहदी भैण है, इहदा मतलब ये भी इन्हां दी बेटी हो गई, ठीक है। तो पता की करना सी, पूनम सिमरन का की रिलेशन है, पूनम का और सिमरन का आए वाला रिलेशन असीं पता करना है, बड़ा आसान हो गया। फटाफट देखो की ऑप्शन आ रहा है इत्थे, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का जो जवाब है फर्स्ट आ रहा है मदर, मनजीत कौर का जवाब है डॉटर, ठीक है। तो ये भी एक चीज जी है बहुत ध्यान रखने वाली गल है, इतने मदर भी आ गया है डॉटर भी आ गया है, हम रिलेशन तो यही है भी पूनम और सिमरन की मम्मी है और सिमरन जी है पूनम की धी है, तो इतने दोनों चो कि ऑप्शन करैक्ट है, मदर आना है ज डॉटर आना है। हम क्वेश्चन ध्यान ना देखो, उ लिखा है पहला की लिखा पूनम, पूनम का रिलेशन पूछा है ना कि सिमरन का, पूनम सिमरन दी की लगती है, उसने पूनम की गल की है, जी पूनम है वो की है माता है, ठीक है मदर है, तो इतने जो सही जवाब है वह मदर ही है डॉटर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जरा करैक्ट जवाब है, तो वेरी गुड ऑल। नैक्सट क्वेश्चन जरा सामने नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये लिखा है एक आदमी वल इशारा करते हुए राहू ने कहा, राहू ने एक आदमी वाल इशारा किया तो कुछ कहा कि क्या, उसका पुत्र मेरे पुत्र का अंकल है, उस आदमी का राहू नाल की रिश्ता है, ये पता करना है। तो सब तो पहला अपन की करना पड़ेगा, एक ट्री बनाना पड़ेगा, तो आदमी एक है, ठीक है आदमी मतलब बॉक्स बना लिया, असं इतने बना लिया अपना राहू, राहू भी एक लड़का है, राहू ने उस लड़के आदमी वाले इशारा करते हुए कहा है कि उसका पुत्र, इस आदमी का जो पुत्र है, पुत्र मतलब बॉक्स, मेरे पुत्र का अंकल है, तो राहू दे दा भी पुत्र हो गया, ठीक है। तो इन्हों का आपस में की रिलेशन है अंकल का। हम प्रश्न की है, आदमी राहू का की लगता है, इस आदमी का राहू नाल की रिलेशन है, ए ऐसी पता करना है। तो ऑप्शन तुहाडे सामने है, फटाफट सोच के इहदा जवाब दिओ भी वह आदमी राहुल दा की लगदा है। ओके ग्रैंडफादर ऑप्शन आ रही है, मुस्कान कह रही है थर्ड ग्रैंडफादर, मनजीत कौर ब्रदर, जनैल सिंह ग्रैंडफादर, जसविंदर फर्स्ट ऑप्शन अंकल, मोहम्मद ब्रदर कह रहा है, आरती शर्मा ब्रदर, रोशनी फर्स्ट ऑप्शन, ख्वाहिश थर्ड ऑप्शन ग्रैंडफादर।
सुखप्रीत फर्स्ट ऑप्शन, चांदनी थर्ड ऑप्शन, चलो बहुत सारे ऑप्शन आ गया, नवजोत वैष्णवी फर्स्ट ऑप्शन कह रही है, सनी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। हुण तुसी सारे बच्चे ध्यान ना देखो, राहु दा पुत्र ए वाला है, ठीक है, इस आदमी दा पुत्र ए वाला है। हुण ए दा अंकल है, अंकल दा मतलब की हुंदा है चाचा, ए दा चाचा है। हुण चाचा चाचा कड़ा होया, ओ की हुंदा है, ओ अपने भरा पिता दा भरा हुंदा है, इहदा मतलब दोने इह भैण भरा दोने ब्रदर हो गए, राहु और ए वाला दोने ब्रदर हो गए, ठीक है। हुण इहदा जिहड़ा इस लड़के का जो पिता है वह ए आदमी है, ठीक है। हम राहु भी ए दोने भरा है, तो राहु का की बनया, राहु का बनया फादर, तो इतने फादर सैकेंड ऑप्शन जी है वह जवाब होना है, फादर सैकेंड ऑप्शन जो है करैक्ट जवाब है। तो दोबारा देख लो एक बार इतने की होया, हाँ जी, जोड़ा ये पुत्र है राहु के पुत्र का अंकल है, यदा मतलब राहु और ये दोने भरा हो गए, ठीक है। अगर दोने भरा हो गए क्योंकि एदा डैडी वो ये आदमी सी, तो राहु दे पिता जी ये आदमी हो गया, तो रिलेशन जड़ा बनया है वो उस आदमी दा राहु ना की लिखता है, वो आदमी राहु दा फादर लगता है, पिता लगता है, तो फादर जड़ा है इतने रिलेशन आ गया। तो आई होप कि सारे नु ये समझ लग गया होगा। बूटा सिंह जी कह रहे हैं ग्रैंड फादर, बेटे ग्रैंड फादर नहीं है, फादर है जड़ा है सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर आ गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਮ ਐਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਡੀ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਐਮ ਦਾ ਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਖੜਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੋ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਮ ਐਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, तो एन जिहड़ा है यह फादर हो गया, सॉरी एन दे बारे आपां नूं नहीं पता, तो इत्थे लिख लैंदे आ एन दा पुत्तर कौन है, एम, तो एम लड़का है, तो इत्थे असीं बॉक्स बना लिया। तो दोबारा रिपीट कर दिंदा आपां, बॉयज लई असीं बॉक्स बनाउंदे आ और लड़कियां लई असीं सर्कल बनाउंदे आ। एन दे बारे आपां नूं नहीं पता, तो इहनूं असीं इदे छड्ड दित्ता। पी जिहड़ी कि एन दी भैण है, हुण पी जिहड़ी है ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਡੀ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ, ਤੋ ਡੀ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਮ ਦਾ ਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਜੂਪ੍ਰੀਤ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਜ਼ਨ, ਓਕੇ, ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਜ਼ਨ, ਨਵਜੋਤ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਜ਼ਨ, ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਜ਼ਨ, ਅਮਨ ਕਜ਼ਨ, ਮੁਸਕਾਨ, ਬਬੀਤਾ, ਖੁਆਇਸ਼, ਆਰਤੀ, ਡਾਰਕ ਗੇਮਿੰਗ, ਨੀਰਜ, ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਫਿਊ, ਨੈਫਿਊ ਮਤਲਬ ਭਤੀਜਾ, सूरज तिवारी कजन, सुमन कजन, बबीता ऋषि कजन, चांदनी कजन, सोनिया थर्ड ऑप्शन, सिया थर्ड ऑप्शन, जशन थर्ड ऑप्शन, गुरप्रीत सिंह कजन, चन्ना सिंह कजन, बाबू थर्ड ऑप्शन, ओके। तो सारे ने कजन जवाब दिया है, एक दो बच्चे ने छड़ के, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो टाइम ਤੁਹਾਡਾ ऑलमोस्ट खबर खत्म हो गया है, लेकिन सारा सब का जवाब आ गया है। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਨ ਔਰ ਪੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੀ ਕਿਊ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਊ ਆਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਰ ਦਾ ਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀ, ਪੀ ਕਿਊ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੋ ਪੀ ਬੋਏ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਕਿਊ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਊ ਆਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਊ ਲੜਕੀ ਹੈ,
ਕਿਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹ ਆਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਟੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਆਰ ਦਾ ਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਰ ਦਾ ਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਲੜਕੇ ਹੈ ਲੜਕਾ ਲੜਕਾ ਆਪਸ ਕੀ ਬਣੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਭ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਤੋ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਕਸ ਆ ਗਿਆ ਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਏ ਦਾ ਏ ਭਰਾ ਹੈ ਬੀ ਦਾ ਬੀ ਧੀ ਹੈ ਸੀ ਦੀ ਸੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਡੀ ਦੀ ਡੀ ਔਰ ਏ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਬੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਔਰ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਤੋ ਬੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੀ ਧੀ ਹੈ ਸੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਡੀ ਔਰ ਏ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਾਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਫਾਦਰ ਚਾਂਦਨੀ ਫਾਦਰ ਆਰਤੀ ਫਾਦਰ ਪੰਕਜ ਫਾਦਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਪਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਲਿਖਣਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੋ ਮਮਤਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਸਟਰ ਬੇਟਾ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੋ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੋ ਇਹ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਿਖ ਲਈਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਹੈ ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੋ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਬੋਕਸ ਤੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਤੋ ਚਾਂਦਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਮਨਜੀਤ ਫਾਦਰ ਆਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਅੰਸ਼ ਫਾਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਮਾਨਸੀ ਫਾਦਰ ਸੀਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਾਦਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋਏ ਬਿਲਸਨ ਫਾਦਰ ਤੋ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਸੇਮ ਹੈ ਤੋ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਭਰਾ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ
तो पिता की ऑप्शन अपन नजर आ रही है फोर्थ ऑप्शन, ये कि करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन फादर। तो हुण तक सारे नु समझ लग ही गया है कि जो भी एक क्वेश्चन आ गया इस तरह का पेपर दे विच, ठीक है, एक एनटीएससी के एग्जाम में भी दो क्वेश्चन होने और एनएमएमएस के भी दो आने ही होने पक्के इस तरह के, तो असं सब तो पहला एक ट्री बनाना है, ट्री बना देना साडा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नैक्सट है लड़के वल इशारा करते हुए बीना, बीना ने कहा ये मेरे दादा जी दे इकलौते पुत्र का पुत्र है, वो लड़का बीना का की लगता है उसका की रिलेशन है बीना नाल, तो इसको पहले आप की करांगे एक ट्री बनावांगे, बीना एक लड़की है, ठीक है, वो एक लड़के वाल इशारा करके कह रही है कि ए मेरे दादा जी दे इकलौते पुत्र, पहला दादा आ गया दादा लड़का है, एदा इकलौता पुत्र क्योंकि पुत्र है, ये भी सर बॉक्स बन गया दे पुत्र, ठीक है, ये बन गई ट्री पुत्र है, वो लड़का बीना नाल की रिश्ता रखता है, हुण एदा बीना नाल रिलेशन की है, ये रिलेशन पता करना है। बीना इस लड़के नूं कह रही है कि ए मेरे दादा जी दा पुत्र दा पुत्र है, तो फटाफट देखो अठवें दा की रिलेशन बनया, वेरी इंटेलिजेंट क्लास, सारे ने ऑप्शन देना शुरू करता है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है ब्रदर, नवजोत सिंह फादर कह रहा है, मुस्कान राणी सेकंड ऑप्शन, पंकज प्रिया ब्रदर कह रहे हैं पंकज, सूरज तिवारी ब्रदर, सिया अर्जु प्रीत, थर्ड ऑप्शन मामे चाचे का मुंडा, ओके मनजीत ब्रदर, ख्वाहिश ब्रदर, प्रेम चंद मन्नत ऑप्शन नंबर टू, चलो ठीक है, तो सारा ऑप्शन है ब्रदर आ रहा है, एक दो बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन चूज किया है, तो देखो इतने क्योंकि बीना का दादा है, ठीक है, बीना का दादा है, यदा मतलब जड़ा और ये लड़का है यदा भी दादा है, तो बीना और दोनों की बन गए भरा भैन बन गए, यदा मतलब बीना जी है, ठीक है, उस लड़के की भैन है, यानी कि वह लड़का बीना का भरा है, वह लड़का बीना का भरा है, तो सैकेंड ऑप्शन जी है करैक्ट आंसर है ब्रदर, तो ब्रदर नूं असीं इत्थे टिक करांगे, तो आई होप कि सारे नूं इह समझ लग गया होएगा। इसी तरह नैक्सट अज असीं टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं, टोटल अपने को 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ते पहुंच गए आपां, ए बी का भरा है, ए सी का पुत्र है, डी सी का पिता है, बी डी का की रिश्ता है, तो ट्री तुहाडी हैल्प लई मैटर ड्रॉ कर लैंदा, तो पहला कह रहा है ए बी का भरा है, इहदा मतलब ए जिहड़ा है बॉय हो गया, तो बी का ब्रदर है, है ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र भी है, ठीक है, तो थले सी आ गया, डी सी का पिता है, अगे डी जिहड़ा है वह पिता है किहदा सी का, बी का डी नाल की रिश्ता है, हुण बी और डी का आपस में की रिश्ता है, ये असी पता करना है ट्री, तो फटाफट ऑप्शन दो अपनिया की लगता है इन्हों का की रिश्ता है, ए जिहड़ा सी बी का भरा है, दोने भैन भरा हो गए, रोशनी थर्ड ऑप्शन, आरती ग्रैंडसन, जॉय विल्सन ग्रैंडफादर, सुख सेकंड ऑप्शन, सुमन ग्रैंडफादर, वैष्णवी फोर्थ ऑप्शन ग्रैंडफादर, हरजोत ग्रैंडसन, पंकज ग्रैंडफादर, हुण देखो ग्रैंडसन ते ग्रैंडफादर सेकंड ऑप्शन ते फोर्थ ऑप्शन विच आप सारे कंफ्यूज होए पए आ भी इत्थे की आएगा, ध्यान देखो उसने पहला की सवाल की पूछा है, बी का डी नाल की रिश्ता है, बी का रिश्ता पूछा उन्हें, बी बी डी का की लगता है, चलो तो यह हम अभी जवाब देने क्योंकि गल बी की हो रही है, बी डी का की लगता है, बी ओ पोतरा लगता है, पोतरा पोतरा यानी कि ग्रैंड सन, तो यह
सेकेंड ऑप्शन जो है वह करैक्ट आंसर है ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर नहीं है। अगर पूछा होंगे डी जोड़ा है वह बी का की लगता है तो फिर आप कहना सी डी जोड़ा है दादा लगता है यानी कि ग्रैंड फादर लगता है, पर इतने डी नहीं पूछा उन्होंने बी का रिलेशन पूछा है, तो यह भी चीज़ का ध्यान रखना है। तो पोतरा यानी कि ग्रैंड सन अपना जवाब आ गया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10, एक तस्वीर वाल इशारा करद्या मोहन ने कहा मेरा कोई भरा भैन नहीं है पर उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, वो फोटो किसकी है? तो देखो क्वेश्चन पढ़ के अपन समझ नहीं लगना, तो सब तो पहला असं की करते हैं पिक्चर ड्रॉ करते हैं ट्री फोटो, फोटो वाल इशारा किया है मोहन, किने किया है मोहन ने, जिहड़ा मोहन लड़का है उन्हें ये वाल इशारा किया है फोटो वाल, तो कहा मेरा कोई भैन भरा नहीं है, मोहन का कोई भैन या भरा नहीं है पर उस आदमी का पिता यानी कि इस फोटो वाले आदमी का जो पिता है मेरे पिता का, तो मोहन का पिता भी थले लिख लिया मेरे पिता का पुत्र है यानी कि ये दोनों बाप बेटा हो गया पुत्र है। हुण मोहन का फोटो वाले आदमी नाल की रिलेशन है ये असीं पता करना है। ओके फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसकी अपनी मानसी ऑप्शन वन, ख्वाहिश सेकंड ऑप्शन, तजिंदर सिंह फर्स्ट ऑप्शन, बबीता रानी सेकंड ऑप्शन, रोशनी फर्स्ट, चांदनी सेकंड, ममता थर्ड, बबीता ऋषि सेकंड ऑप्शन, डार्क गेमिंग फर्स्ट ऑप्शन, गुरप्रीत सिंह फर्स्ट ऑप्शन, डिंपल कुमार फर्स्ट ऑप्शन, सुमन फर्स्ट ऑप्शन, मनजीत कौर सेकंड, सिया फर्स्ट। ओके फर्स्ट ते सेकंड विच कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो उसकी अपनी फोटो है, कुछ कह रहे उसके पुत्र की फोटो है, तो इतने असं क्लीयर कर लें। देखो फोटो का जोड़ा पिता है वो इसका पुत्र है, हम मोहन ने कहा है कि उसका कोई भैन भरा नहीं है, ठीक है, तो यदा मतलब एक की रिलेशन बनया है, यदा मतलब यह जी फोटो है ये उसके पुत्र की हुई क्योंकि उसका कोई भैन भरा है नहीं, तो यह मतलब ये आप ही हो गया मोहन ही हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका पुत्र यह है और यदा पुत्र मोहन भी है, पर मोहन ने कहा कि मेरा कोई भैन भरा नहीं है, यदा मतलब ये मुंडा भी ये पिता भी मोहन ही हो गया, अगर ये मोहन हो गया तो यदा मतलब ये फोटो जी है मोहन के मुंडे की है उसके पुत्र की है, तो सैकेंड ऑप्शन जोड़ा है वह करैक्ट आंसर है। इतने आई होप कि सारे समझ लग गया होगा। इतने इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुँच गए आप, रविंदर वल इशारा कर दिया, रविंदर वल इशारा करद रीना कहती है ओ मेरी मां दे भरा दी पत्नी दा पुत्र है, रीना दा रविंदर नाल की रिश्ता है, तो फटाफट असीं पहला की करना इत्थे ट्री रिलेशन ट्री तैयार करना है। तो रीना जिहड़ी एक लड़की है सर्कल बना लिया, दूजा कौन है रविंदर, रविंदर असीं ये दोनों दा रिलेशन जिहड़ा है वह पता करना है। तो रीना रविंदर वाले इशारा करते हैं, रीना ने कहा ओ मेरी मां यानी कि रीना दी मदर, क्योंकि लड़की है इतने सर्कल बना लिया मां दे भरा, तो यदा भरा बॉय हो गया, दी पत्नी यदी पत्नी वो भी लड़की होगी सर्कल बना लिया, दा पुत्र है तो यदा पुत्र रविंदर है, हमने दोनों का बच की रिलेशन है, बड़ा ईजी हो गया, फटाफट यहाँ सोच के जवाब दो भी थोड़े हिसाब का की जवाब आता है। ख्वाहिश कह रही है थर्ड ऑप्शन, दलजीत कजन सिस्टर, अनुरूप आरजूप्रीत थर्ड ऑप्शन, जसमीन सेकंड ऑप्शन, सिया ब्रदर ओके, अंश थर्ड ऑप्शन, अवतार सिंह थर्ड ऑप्शन, चांदनी थर्ड ऑप्शन, सूरज तिवारी थर्ड ऑप्शन, बोट बॉय थर्ड ऑप्शन, नीरज थर्ड ऑप्शन, मोस्टली थर्ड ऑप्शन आ रहा है, रोशनी सेकंड ऑप्शन दे रही है, सूरज तिवारी थर्ड ऑप्शन, चलो ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन कुछ बच्चे सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं भतीजी, ठीक है,
तो बाकी मोस्टली बच्चे चचेरी भैन यानी कजन सिस्टर का जवाब दे रहे हैं। हम ध्यान देखिए रीना की जी मदर है, मदर का भरा यानी कि वह मामा हो गया, ये हो गया मामा, ठीक है रीना का मामा की पत्नी यानी कि यह होगी मामी। हुण मामी का मुंडा की हो गया, मतलब रीना का भरा ही हो गया, मामे दे मामा मामी के लड़के की होंगे साडे ब्रदर सिस्टर ही होंगे, पर ओ, क्योंकि रियल ब्रदर नहीं है तो कहड़े होंगे कजन सिस्टर कजन ब्रदर होंगे। तो इतने चचेरी भैन जी है वह करैक्ट ऑप्शन आ रही है, भतीजी नहीं आ रही, ठीक है भतीजी। देखो इतने माँ आ गई, माँ जो संबंधित होंगे वह मेटरनल रिलेशन आ गए सारे, अगर इतने पिता होंगे फिर भतीजी वाल आप सोच सकते थे, ठीक है इसलिए भतीजी जी है बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नैक्सट है अपने को सवाल नंबर 12, मोनिका नाल जान पछाण करवाद विकास ने कहा, देखो दो बच्चों की गल हो रही है इतने, मोनिका एक विकास, ओ मेरी मां का इकलौते पुत्र की पत्नी है, मोनिका विकास का किमें संबंध है यह दसना है। अपना तो पहले अपन मोनिका ले लिया, मोनिका लड़की है तो सर्कल बना लिया, तो उन्हें विकास वाल इशारा किया, विकास लड़का है, ओ मेरी मां मोनिका की मां दे इकलौते पुत्र, हुण मां दा जिहड़ा पुत्र है दी पत्नी है, ठीक है ये विकास कह रहा है, ठीक है इत्थे ये थोड़ा ठीक कर लिए इहनूं, ये गल विकास कह रहा है, किहदे बारे कह रहा है मोनिका दे बारे कह रहा है, विकास की मां का पुत्र जिहड़ा है वह मोनिका ओदी पत्नी है, तो मोनिका का विकास नाल किवें रिलेशन बनिया ये आपां दसना है इत्थे। तो मोस्टली जवाब बच्चा का आ रहा है बाई फस्ट ऑप्शन आ रहा है, गुरदीप ख्वाहिश पंकज हरजोत सुखविंदर सिंह चांदनी रोशनी दलजीत सिंह सारे वाइफ कह रहे हैं, जसविंदर सिंह फर्स्ट ऑप्शन, राजा थर्ड ऑप्शन, थर्ड बोट बॉय फोर ऑप्शन, डाटा सही नहीं है, ओके बबीता फर्स्ट ऑप्शन, चलो बहुत सारे जवाब आ गए। तो इतने बेटे देखो ध्यान लिखो, उसने क्या है कि विकास दे मां का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र तो वह विकास आप ही हो गया, ठीक है क्योंकि विकास की मां होगी और उसने कहा वह इकलौता पुत्र, हम विकास भी पुत्र है और यह भी पुत्र है, यह मतलब यह विकास ही है, विकास की पत्नी मोनिका है, यदा मतलब विकास और मोनिका का रिलेशन मियाँ बीबी का है, तो मोनिका विकास नाल किवें संबंध रखती है, मोनिका विकास की पत्नी है, तो वाइफ जिहड़ा है इत्थे करैक्ट आंसर है। इसे तरह क्वेश्चन नंबर 13, रमेश नाल जान पछाण करवाद्या, जैसमीन ने कहा उसका पिता मेरी सस का इकलौता पुत्र है, जैसमीन का रमेश नाल की संबंध है, तो सब तो पहले असं की करेंगे ट्री बनावांगे, तो जैसमीन एक लड़की है तो ले लिया इतने लड़की जैसमीन, इतना ले लिया अपना रमेश, रमेश लड़का है। हम दोबारा देखो रमेश नाल जान पछाण करवाद्या, जैसमीन ने कहा की क्या जैसमीन ने, उसका पिता मेरी सस का इकलौता पुत्र है, उसका पिता यानी कि रमेश का पिता, पिता मतलब बॉय हो गया, ठीक है जैसमीन की सस ये लड़की होगी, सस का इकलौता पुत्र है यानी कि ये इहदा पुत्र हो गया, वह भी इकलौता पुत्र हो गया, तो जैसमीन का रमेश नाल की रिलेशन है, ये रिलेशन पता करना है, फटाफट सोच के जवाब दो। चांदनी कह रही है मदर, रोशनी सेकंड ऑप्शन मदर, जॉय विल्सन मदर, चांदनी मदर, मनजीत कौर मदर, अंश मदर, रोशनी सेकंड, दलजीत सिंह मदर, गुरदीप सिंह मदर, नवजोत सिंह मदर, जैसमीन इज द मदर ऑफ रमेश, ओके आरती कह रही है सूरज तिवारी थर्ड ऑप्शन यानी कि पत्नी, डिंपल थर्ड ऑप्शन, ख्वाहिश मदर,
प्रिया जसल सेकंड ऑप्शन, बबीता सेकंड, थर्ड ऑप्शन राजा, फर्स्ट ऑप्शन अंकल। बेटे अंकल तो हो ही नहीं सकता, अंकल नहीं है ठीक है। तो दो ऑप्शन है माता या पत्नी, तो मोस्टली बच्चा था माता जवाब आया है, मदर आया है जो कि करेक्ट आंसर है। जैस्मीन दी सास है, सास का पुत्र पिता आला है, इधर मतलब दोनों जैस्मीन जी है और इसकी पत्नी हो गई ठीक है, इसकी पत्नी है जैस्मीन। तो जैस्मीन और ये मियां बीबी हो गए दोनों, और इन्हों का बच्चा है वो इन्हों का पुत्र हो गया ठीक है। तो जैस्मीन इसकी की बनी माता, तो सैकेंड ऑप्शन जरा अपना करेक्ट आंसर है इतने। तो क्लीयर हो गया मेरे ख्याल सारे बच्चों। सैकेंड लास्ट क्वेश्चन अज का, इस तो बाद एक क्वेश्चन रह गया अपना होर। तो ये अलीशा नाम की एक लड़की है, अलीशा ने एक लड़की वल इशारा करद्या होया कहा, वो मेरे दादा जी दे इकलौते पुत्र की धी है। अलीशा नाल लड़की का की संबंध है ये देखना है। तो दादा दादे दे इकलौता पुत्र, पुत्र ले लिया अपना, पुत्र की धी धी ये कौन है अलीशा, ये होगी अलीशा ठीक है। तो एक अलीशा वाल, अलीशा ने एक लड़की वाल इशारा करते क्या, इस लड़की वाल इशारा करते क्या। तो इतने मैं अलीशा नूं रेज कर देना, तो दोबारा देखो अलीशा जी है उसने एक लड़की वाल यानी कि इस लड़की वाल इशारा करते क्या कि ओ मेरे दादा दे पुत्र दी धी है। तो अलीशा का लड़की नाल की रिलेशन है ये दसना है। चांदनी कह रही है सिस्टर, बड़ा इजी है जवाब, सोनिया थर्ड ऑप्शन, बबीता सिस्टर, राजा थर्ड ऑप्शन, चांदनी ख्वाहिश थर्ड ऑप्शन, सिस्टर गुरदीप सिस्टर बिक्की थर्ड ऑप्शन, बबीता ऋषि थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो सारे बच्चों का जवाब ऑलमोस्ट आ गया है, तो सिस्टर जवाब आया है। तो क्योंकि देखो अलीशा जी है वह कह रही है मेरे दादा जी दे, क्योंकि यहाँ मतलब ये दादा अलीशा का भी है यदा भी है, दोनों का दादा है ठीक है। हम दादा यह है इकलौता पुत्र, यदा मतलब यह दोनों का पिता हो गया, अलीशा का पिता भी हो गया और यदा पिता भी हो गया। अगर दोनों का पिता सेम है तो दोनों आपस में की हुई दोनों आपस में भैं हो ठीक है। तो यदा मतलब सिस्टर जरा है थर्ड ऑप्शन जरा है अपना करेक्ट आंसर है इतने। तो अज का लास्ट क्वेश्चन तेरे सामने है, लिखा है नीता ने एक आदमी नाल जान पछाण करवाउंदिया होया कहा, उस दी इकलौती धी मेरे पिता दी भैन है, आदमी नीना नाल किवें संबंधित है। तो इहदे देखो दो परसन है, एक है आदमी जिस नाल नीना गल कर रही है, दूजी है नीना। तो पहला असीं ट्री बनावांगे, नीना लड़की है आदमी बॉय है, तो आपां एक स्क्वेयर ते एक सर्कल बना लिया। नीना ने क्या है उस दी इकलौती धी यानी इस आदमी दी जिहड़ी धी है इकलौती धी मेरे पिता दी भैन है, नीना दे पिता, नीना दा पिता ले लिया आपां इत्थे, इह दोनों आपस की है भैन भरा भैन है। हुण प्रश्न की है आदमी दा नीना नाल की रिलेशन है, यह है अपना सवाल। तो उम्मीद है कि सारे नूं समझ लग गया होगा, तो फटाफट इहदा जवाब देना शुरू कर दो और जवाब मैनूं आ भी जाएगा। ग्रैंडफादर, मानसी ग्रैंडफादर, मुस्कान थर्ड ऑप्शन दादा, बबीता थर्ड ऑप्शन, गुरदीप ग्रैंडफादर, सुखविंदर ग्रैंड, जसमीन ग्रैंडफादर, चांदनी ग्रैंडफादर, बबीता थर्ड ऑप्शन, बाबू सेकंड ऑप्शन, यानी चाचा जो मामा ओके, मानसी थर्ड ऑप्शन, ख्वाहिश ग्रैंडफादर, सुखविंदर सिंह ग्रैंडफादर, गुरदीप ग्रैंडफादर, रोशनी थर्ड ऑप्शन, अर्शप्रीत कौर सेकंड ऑप्शन, यानी चाचा मामा ओके, बबीता ग्रैंडफादर। मोस्टली जो जवाब आ रहा है थर्ड आ रहा है सारे बच्चों का, तो थर्ड जवाब है दादा। तो दादा किवें हो गया, देखो इतने लिखा है भी ये लड़की जी दोनों भैन भरा है ठीक है, नीना का पिता है, तो वह आदमी नीना का की लगा, ये
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਨਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਏ ਤੋ ਦਾਦਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਸਵਾਲ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥ੍ਰੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ 15 ਸਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਊਂਗਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਤੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੋ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਸਰ ਜਾਂ ਨੋ ਸਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸਦੇ ਅਰਜੁਪੀਰ ਕੌਰ ਗਾਰੀ ਜੈ ਸਰ ਓਕੇ ਤੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਾਂ ਦਾ ਓਕੇ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਪੇਂਟਰ ਅੰਧਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੇਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੇਨਲੀ ਤੋ ਸਟੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕੇ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਪੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਤੋ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਤੋ ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਉਸਦੀਆਂ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀਆਂ ਆਈ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
फिर अगले दिन जो उसकी पट्टियां खुलियां उसके हसबेंड दया उस पता लगा कि मेरी अखा की रोशनी चली गई है तो बहुत उदास हो गया। हूँ वह दोनों जो घर आ गए तो दोनों की लाइफ जी है बहुत मुश्किल भरी हो गई। हूँ जो स्टेनली से घर बैठा रहा क्योंकि हूँ कुछ कर नहीं सकता। उसकी पत्नी ने सोचा कि वो इधर उधर कोई ना कोई नौकरी लभदी है। फिर उसने नौकरी लभन की कोशिश की तो उसने एक वेटर की नौकरी कर ली। किसी रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर लग पी। दूजे पासे जो स्टेनली से घर से चलन की कोशिश करता है हूँ उन्होंने इन्नी प्रैक्टिस नहीं है भी एक अंधा आदमी किमें चलता है तो उसकी बार बार कितना कितने टक्कर हो जाती और हमेशा वह नीचे गिर जाता। तो उसका डॉग से जरा उसके को कलम लेके आया तो उसने उसको कहा भी तू पेंटिंग करनी शुरू कर ला। ठीक है लेकिन पेंटिंग कर लगे भी उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसको कलर दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है तो उत्थे भी वो डिग गया तो वो बड़ा उदास हो गया। तो एक दिन उसी तरह बैठा से तो उसके घर रेडियो सुन पिया थी। रेडियो में उसने एक खबर सुनी कि कंपीटिशन हो रहा है जेड़ा आदमी इस कंपीटिशन जितेगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वो कंपीटिशन किस चीज़ का सी वो पेंटिंग कंपीटिशन सी। वो बड़ा खुश होया पर अगले पल वो उदास हो गया। वो सोचने लग गया काश उसदियां आईज होंदियां तो वह कंपीटिशन विच पार्टिसिपेट कर पाता। लेकिन उसका डॉग जिहड़ा है उसके कोल कलम लेके आया तो उसने उसकी पेंट खिंच के उसनूं ले गया। ठीक है दोबारा कैनवस के कोल ले गया उसने उसनूं कहा भी तू पेंटिंग करने का इशारा किया तो उसने अपने मन च सोचा भी मैं जरूर प्रैक्टिस करूँगा कोशिश करूँगा। उसने कलर्स नूं चूज करके बिना देखे पेंटिंग करनी शुरू कर दी। जो वो मन च विचार आ रहे थे उसने पेंटिंग की तो हूँ वो अंदरों खुश हो गया भी वह कुछ ना कुछ तो कर ही रहा ना और उसने देखो कितनी लाजवाब पेंटिंग बनाई। फिर वो रोज़ ही प्रैक्टिस कर लग पाया और उसने क्लासिज भी ज्वाइन कर ली जिमें जिद अंधे आदमी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है उसने क्लासिज भी ज्वाइन कर लिया और रोज़ वो प्रैक्टिस करता से कैनवस से जो वह मन करता उदा की पेंटिंग बना। एक दिन उसकी वाइफ ने देखा कि उसने पेंटिंग बनाई है इन्नी सोहनी उसने कहा भी अज तक तू इन्नी सोहनी पेंटिंग कभी नहीं बनाई। तो उस स्टेनली ने कहा कि हूँ मैं अपनी इन्हों अखा नहीं अपनी मन दी अखा नाल पेंटिंग करदा। इसलिए वह बहुत खुश सी। तो फिर उसकी वाइफ उतो जान लग गई तो उसने कहा भी तू कि जा रही है। वह कहना मैं तेरा दाखिला फार्म भरन जा रही हाँ कंपीटिशन दे विच तो कंपीटिशन विच तू पार्टिसिपेट जरूर करें। तो वह सोचने लग गया भी हूँ मैं पार्टिसिपेट करूँगा लेकिन उत्थे मैं कि पेंटिंग पेश करूँगा। ठीक है लेकिन उसकी वाइफ उसनू हौसला देंदी है भी इन्ना कोई फर्क नहीं पैंदा भी तू उस कंपीटिशन नू जितेगा जां हारेगा बस तू उहदे च पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो अगले दिन वह उसका नाम दर्ज करवा के जो घर आई तो उसनू कहा भी हूँ तू तैयार हो जा अपने को सिर्फ 6 दिन है 6 दिन च आपां पेंटिंग तैयार करनी है 6 दिन बाद कंपीटिशन का रिजल्ट आ जाना है। तो हूँ वह उदास से थोड़ा सा थोड़ा कन्फ्यूज सी भी हूँ वह कि पेंटिंग बनाएगा उसनू समझ नहीं लग रही थी। वह पेंटिंग बनाने लई गया पहले दिन कोशिश की लेकिन उसनू समझ नहीं आ रही थी वह की करे। वह फिर उदास हो गया अपनी वाइफ तो गया उसकी पत्नी ने कहा तू रिजल्ट बारे ना सोच तू अपने दिल को अपने आईज में बंद करके जो तेरे दिल में आ रहा है तू वो अपने विचार जड़े है उत्थे पेश कर दे अपनी मन दी अखा नू खोल। तो यह सोच के उसने फिर दोबारा ट्राई की और उसको एक बहुत बढ़िया विचार आया जिसने उसने उसको कैनवस से उतार दिता और एक बहुत शानदार पेंटिंग तैयार की जिसका नाम से मन दी अखा। तो इसी तरह 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन निकल गए और पेंटिंग का रिजल्ट जड़ा सी वह आने का टाइम हो गया। तो रिजल्ट दे बेच 2 पेंटिंग सी जड़ियाँ कि फाइनल बेच पहुँचियाँ। एक पेंटिंग स्टेनली दी एक पेंटिंग होर सी पहेली जिसका नाम सी पहेली। तो हुण जजेस ने कहा भी दोनों चो सब तो जिहड़ी वधिया पेंटिंग है वह है मन दी अखा यानी कि स्टेनली दी। वो दोनों बड़े खुश हो गए भी 10 लाख रुपए जित गए। तो जो इनाम लैन गए तो वह बड़े हैरान हो कि यह तो अन्ना है इसनों तो दिखाई नहीं दिता तो इन्हें पेंटिंग किमें बना ली। तो जो दूजा आदमी से जिसने जो दूजे नंबर पर आया उसने कहा कि यह झूठ बोलता पाया है इसने पेंटिंग नहीं बनाई है किसी होर को बनवा के लिया है। तो सारे वे पर शक हो गया भी यह पेंटिंग इन्हें नहीं बनाई लेकिन उसकी वाइफ कह रही है कि मेरा पति झूठ नहीं बोल रहा ये पेंटिंग इसने ही बनाई है लेकिन किसी ने उसकी गल का विश्वास नहीं किया। तो फिर हूँ उत्थे ये फैसला होया कि ये जो स्टेनली है ये मौके पर ही एक वधिया जी पेंटिंग बना के दिखाएगा। अगर उसने वधिया पेंटिंग बना दी सारे मन जाएंगे कि ये पेंटिंग उसने ही बनाई है। तो उसने वो चैनल जो है एक्सैप्ट कर लिया तो उसने फटाफट उत्थे पेंटिंग बनानी शुरू कर दी और लोग क्लैपिंग करके वह जरा विश्वास जरूर बता रहे थे।
तो उसने स्टार्ट किया और सारे हैरान रह गए। तो उसने एक नवी पेंटिंग, सोहनी जी पेंटिंग बना के दिखा दी। हूँ सारे यकीन हो गया कि ये पेंटिंग जी उसने ही बनाई है। तो सारे ने उत्तों माफ़ी मंगी कि असी तेते शक किया। तो उसनों प्राइज जरा 10 लाख रुपया उसनों मिल गया। तो सारे ने जो सॉरी मान लिया। तो लेकिन एक लड़की उत्थे खड़ी सी जिसने दसिया भी जो दूजा मुंडा है जो सैकेंड नंबर पर है वह फादर जोड़ा है वह होस्पिटल एडमिट है। इतने कहानी ने ट्विस्ट ले लिया। हूँ जो 10 लाख रुपया से वो नाल स्टेनली ने अपने आईज़ को ठीक करवाना सी। लेकिन उत्थे एक लड़की ने उन्हें दसिया भी जो दूजा लड़का है वो पिता एडमिट है, उन्होंने पैसे की बहुत लोड़ है। तो यह सुन के उस लड़के उन्हें अपने को बुलाया, अपने जो पैसे है अपना इनाम है उस लड़के दे दिता। तो उसने कहा भी मैनू समझ नहीं लगी मैं तू मैन क्यों दे रहा है। उसने एक बहुत वधिया गल कही भी मेरिया अखा नालों तेरे पिता जी की जिंदगी ज़्यादा जरूरी है। तो यह गल कह के उसने उसनों इनाम अपना उसको दे दिता। हूँ लड़का वो बड़ा खुश होया भी 10 लाख रुपया मिल गया। तो फटाफट इनाम लैके होस्पिटल पहुँच जाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है, डॉक्टर नूं कहिंदा है मेरे पिता जी ले ऑपरेशन लिए पैसे मेरे तो इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हुण बहुत देर हो चुकी है, तेरे पिता इस दुनिया च नहीं रहे। तो उसके पिता जी की डैथ हो जाती है। तो फिर वो डॉक्टर नूं कहिंदा है कि मेरी इच्छा है कि मेरे पिता जी अखा मेरे दोस्त नूं दित्तियां जाण, ठीक है, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो डॉक्टर फिर उस स्टेनली नूं फोन करते हैं और कहते हैं भी होस्पिटल से तेनों तेरे लिए एक डोनर मिल गया है जिहड़ा तेनों अखा देगा। तो यह सुन के बड़ा खुश होया। स्टेनली होस्पिटल पहुँचते हैं, उत्थे जाके फिर उसका ऑपरेशन होंदा है और उसकी अखा की रोशनी जी है वह वापस आ जाती है। वो तो बड़ा खुश होंदा है भी मेरी अखा की रोशनी वापस आ गई है। उस पल वह लड़का उत्थे आता है तो उसकी जी 10 लाख की राशि से उसको वापस कर देता है। लेकिन स्टेनली कहता है कि यह राशि तू मैनू क्यों वापस दे रहा है, ये तो तेरे फादर के लिए सी। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे फादर ले सी, लेकिन मेरे फादर इस दुनिया नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अखा तेरिया अखा में है। तो ये गल सुन के स्टेनली बड़ा दिल भर गया, उसने वह थैंक यू किया। वो दोनों अगे दे एक पक्के दोस्त बन गए। तो एक दूजे का थैंक यू किया। तो ये उसके पिता दी अखा भी जिंदा रह गई, उस स्टेनली दी आईज भी वापस आ गई और वो को 10 लाख रुपया भी आ गया ताकि वह अपने घर की जी है हालत सुधार सके। ये स्टोरी सी अज की। तो हुण तुसीं मैनूं दसना है कि इस स्टोरी विच तुहानूं की मोरल मिलिया है, की सिक्ख्या मिली है। बहुत वधिया मोरल है इस स्टोरी का। पहला मैं दसदा तुसीं भी मैनूं अपने विचार दसने हैं। इस कहानी तो सानूं यह सिक्ख्या मिलती है कि असीं अपने अगर असीं पूरी हिम्मत नाल पूरे दृढ़ संकल्प दे नाल कॉन्फिडेंस दे नाल जो भी काम करिए वह हमेशा ही पूरा हुंदा है, ठीक है। और नाल दी नाल सानूं हमेशा ही अपनी इंसानियत नूं भी याद रखना चाहिए है। मुश्किल समय से अगर किसी को साड़ी लोड़ है तो सानू हमेशा उसकी हैल्प करनी चाहिए है, क्योंकि परमात्मा हमेशा देखता है। अगर तुसी किसी की हैल्प करोगे तो मुश्किल समय में परमात्मा तुहाडी जरूर हैल्प करेगा। तो एक गल जरूर याद रखनी है कि एक अख जिहड़ी परमात्मा की है वह हमेशा ही सानू देख रही होंदी है हर समय, चाहे सानू कोई नहीं देख रहा लेकिन उस वेले भी परमात्मा सानू देख रहा है। अगर किसी की हैल्प करते हैं तो परमात्मा भी साड़ी हैल्प जरूर करता है। तो ये इस मोरल इस स्टोरी का तुहानू स्टोरी किवें दी लगी तुसी कमेंट विच मैनू दस सकते हो, ठीक है। और जिन्हें बच्चे जिहड़े बच्चे अज नवे आए हैं अगर चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया होया तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर दो और हमेशा ही ईमानदारी दे नाल तुसी अपने काम वल अगे तो अगे बढ़ते रहो। तुसी इस NTSC जां NMMS दे पेपर नू जरूर क्रैक करोगे, जरूर इसनू सफलता नाल पास करोगे। बस दृढ़ संकल्प जिहड़ा है वह अपने अंदर होना चाहिए है। हमेशा गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं हमेशा सब की हेल्प करनी चाहिए है। अर्जुप्रीत वी शुड हेल्प अदर्स, इफ वी हेल्प समवन देन गॉड विल हेल्प अस, बिल्कुल ट्रू। ख्वाहिश भी कह रही है भी वी शुड आल्सो हैव अ ग्रेट स्पिरिट, वी शुड पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, बिल्कुल सही है। अपन रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, हूँ NTSC की अभी तैयारी कर रहे हैं, असी रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है भी असी पास होवे या नहीं होवे। हूँ सपोज करो असी रिजल्ट से पास नहीं होंगे, NTSC से पास नहीं होंगे, असी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पास नहीं होंगे, तो फिर असी मायूस नहीं होना। फिर की होया, जिंदगी एक NTSC ही एग्जाम नहीं है जो फाइनल है, उस तो अगे साढ़े अगे बहुत सारे रिजल्ट होर बहुत सारे कंपीटिशन
पेंडिंग पे है जिसे असीं पार्टिसिपेट जिन्हां से असीं पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो समझ लो साडी तैयारी हो रही है उन्हां दे लई। अगे जाके असीं आईएएस दा एग्जाम भी दे लई पेपर देने आ, तो समझ लो साडी अज तों ही तैयारी हो रही है। ठीक है, सिर्फ एनटीएससी नूं असीं तुसीं अपना मेन मॉडल लेके ना चलो, तुसीं आईएएस दा पेपर अपने माइंड च लेके चलो कि असीं ओह भी क्लीयर करना है। ठीक है, तो एनटीएससी दा अपने आप ही क्लीयर हो जाएगा, नथिंग इज इम्पोसिबल, अवतार सिंह कह रहे हैं। तो अज दे लई इन्ना ही, मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं अज सारे सवाल भी समझ लगे और स्टोरी भी बहुत सारी पसंद आई होगी, तो जिस तों तुहानूं मोटीवेशन मिली होगी, तो इसे मोटीवेशन दे नाल तुसीं अगे वधना है। तो अज दे लई थैंक यू वेरी मच। नैक्सट जिहड़ा है हुण आपणा टैसट होएगा जिहड़ा कि तुहानूं